यास्मीन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को कुकिंग विद सानी यास्मीन। और आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही मजे की जेली, जो कि बच्चे बड़े से भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो जो जेली हम बना रहे हैं, इसमें हम ना जेलेटिन इस्तेमाल कर रहे हैं और ना हम अगर यूज़ कर रहे हैं, तो जो केमिकल्स के बगैर बना रहे हैं। बहुत ही मज़े की बनने जा रही है जेली। तो हम सबसे पहले इसको वॉश करके जो है इसका जूस बना लेंगे। जी जूस है और इसके अंदर हमने ऐड की जी शुगर। और जी हम इसको रखेंगे जी अब चूल्हे के ऊपर। जी इसके अंदर उबाला आ चुका है, हमने इसको जो है ना कुक कर लिया है। उसको हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, इसको हम चूल्हे से उतार देंगे स्टेज के ऊपर। जी अब एक पैन लेना है हमने, इसके अंदर एक कप के बराबर या एक प्याली के बराबर पानी डालना है। और जी यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। जी ये एक कप कॉर्नफ्लोर है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जी हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और जी अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे, उसको पकाएंगे 5-7 मिनट के लिए, जब तक कि इसको बॉयल नहीं आ जाता। जी ये देखिए इस तरह से हमने इसको पका लेना है और इस स्टेज के ऊपर जो है ना हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। जी अब हमने जो है जूस जो रेडी किया था शुगर वाला, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको पकाएँगे। जी ये मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब इसको हम डालेंगे जी इसके अंदर मोल्ड में। इसके अंदर हमने ऑयलिंग की हुई है और इसके अंदर जी हम इस तरह से जो है ना फिल कर देंगे। और जी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना कैंडी वो रेडी हो जाएगी। जी ये मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब इसको हम डालेंगे जी इसके अंदर मोल्ड में। इसके अंदर हमने ऑयलिंग की हुई है और इसके अंदर जी हम इस तरह से जो है ना फिल कर देंगे। और जी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना कैंडी वो रेडी हो जाएगी। जी 3 से 4 घंटे हमने इसको रखा है जेली को, और आप देख सकते हैं कि जेली जो है ना वो हमारी जम चुकी है। और अब हम इसको निकालेंगे जी, इसको हमने निकालना है। अल्लाह हाफिज़।